जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपीनाथ, जय जगन्नाथ। बहुत ही सिंपल है, अगर भगवान आपकी सुन रहे हैं तो वह आपका विश्वास को बढ़ा रहे हैं। अगर भगवान सुनने में थोड़ी देर कर रहे हैं तो वह आपका सब्र को बढ़ा रहे हैं। अगर भगवान बिल्कुल ही नहीं सुन रहे हैं तो उसका मतलब वो आपको आगे की परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का यह मानना है कि जितनी हायर क्लास होगी एग्जाम भी उतना ही तगड़ा या टफ होगा। भगवान जी आपकी परीक्षा लेते हैं क्योंकि आपके आने वाली परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ सके और अच्छे नंबर से आप पास हो सको, उसी की परीक्षा भगवान लेते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं कमेंट करके बताइएगा। अभी हम लोग हैं गोपीनाथ जी के मंदिर के अंदर। यहाँ का धड़, जी हाँ गाइस, गर्दन से पेट तक का पार्ट जो है वो धड़ कहलाता है, और यहाँ पर माना जाता है कि भगवान का दिल धड़कता है। दर्शन कीजिए गोपीनाथ जी के मंदिर के। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी मैं भगवान के मंदिर में जाता हूँ मैं निशब्द हो जाता हूँ। भगवान से कुछ मांगने की हिम्मत ही नहीं हो पाती, क्योंकि जब मैं उनकी आंखों में उनकी काया को देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तो भक्तों, यहाँ की जो प्रतिमा है, यहाँ का जो विग्रह है वह वृंदावन से लाया हुआ है, और शायद आपको पता हो या ना हो हम आपको बताते हैं कि एक ही पत्थर से तीन विग्रह तैयार हुए थे। उनमें से गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी। ये गाइस देखिए, ये तुलसी से बना हुआ वस्त्र है जो कि गोस्वामी जी पहना करते थे। तो तीन जो प्रतिमा बनी हुई है उसमें से गोविंद देव जी का चेहरा भगवान के चेहरे से हूबहू मिलता हुआ है। यहाँ जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, गोपीनाथ जी का मंदिर, यहाँ का धड़ भगवान से बिल्कुल सिमिलर मिलता जुलता है। और
मदन मोहन जी जो कि करौली डिस्ट्रिक्ट में है, उनके चरण मतलब पेट से नीचे वाला जो पार्ट है वो भगवान का हूबहू पार्ट है। तो बहुत ही ऑरा है इस मंदिर का, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप सच में कृष्ण की भक्ति में खो जाते हैं। यहाँ के सुंदर भजन, क्योंकि हम भी अपने आप को नहीं रोक पाए यहाँ पर कृष्ण का भजन सुनाने के लिए। और ये देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर अद्भुत और यूनिक मंदिर है, जहाँ पर आने के बाद आप कुछ अपने कष्ट, अपने सुख दुख सब आप भूल जाते हैं इस मंदिर में आने के बाद में। बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा मंदिर है गाइस। यह नाहरगढ़ रोड पर पुरानी बस्ती में स्थित है।